30-40 साल हो गए तुम्हें खेलता हुआ, आज भी तुम्हारी टीम उतनी रद्दी और घटिया है जितनी 40 साल पहले थी। 4-5 साल पहले आया अफगानिस्तान, तुमसे कितना आगे निकल गया है, नीदरलैंड तक ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और तुम आज भी हर टीम से जूते खा रहे हो। 2015 को छोड़कर आज तक तुम कभी क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचे। पिछले 2 वर्ल्ड कप में 10 टीमों में से भी तुम 8वें नंबर पर आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम कोई 10-20 खेल खेलते हो, ले देकर एक क्रिकेट ही खेलते हो और वो भी इतने सालों में खेलना नहीं सीख पाए। 40-50 Guys, I have a request. Don't skip. Enjoy the full video, guys. And the title name is Why Bangladeshi Hate India. But all time I'll support India. Jai Hind, Jai Bangla. All time I love Indian people, Indian army. So always ami bhalobashi. Always. And tumi bolte paro je tumi Hindu bole bhalobasho. No, man. আমি এমনিতেই অনেক ছোটবেলা থেকেই আমি ইন্ডিয়াকে যখন বোঝার চেষ্টা করি তখনই ইন্ডিয়ান খেলা দেখি আর আমার খুব ভালো লাগে ইন্ডিয়ান পিপল, আর হচ্ছে জন্মগ্রহণ করছি ইন্ডিয়ায়, বাট এখন আমি বাংলাদেশি, আই এম ফ্রম বাংলাদেশ। তো সুপার এক্সাইটেড, অ্যান্ড গাইজ অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন, ডোন্ট স্কিপ স্যার, অ্যান্ড হোয়ার ফ্রম প্লিজ রাইট ইন কমেন্ট। সো জয় শ্রী রাম, লেটস গো। ओ भाई 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 भाई, ये दुख खत्म काहे नहीं होता बे। टीम इंडिया को हारे इतना टाइम हो चुका है मगर ये बिगड़ा हुआ मूड सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। रात को 2 बजे सुसु करने के लिए बाथरूम भी जाता हूँ तो मैच की याद आ जाती है और मन खराब हो जाता है। दिल दिमाग फिर से फाइनल मैच में चला जाता है। सोचने लगता हूँ कि काश रोहित शर्मा ने मैक्सवेल की बॉल पर आगे बढ़कर वो शॉट न मारा होता, काश शमी की बॉल पर ट्रेविस हेड का इनर एज स्टंप पर जा लगा होता, काश बुमराह की बॉल पर लबूशेन को अंपायर ने LBW दे दिया होता, काश बाकी मैचों की तरह कोहली उस दिन भी एंड तक टिक गए होते। मतलब इतने काश है कि क्या बताऊं, न मेरे काश खत्म हो रहे हैं न मेरी रग रग में समाया दुख। बार बार मन में यही ख्याल आता है कि ये टीम इंडिया आखिरी पड़ाव पर आकर फिसल क्यों जाती है। पिछले 10 साल में हम 5 बार ICC टूर्नामेंट के फाइनल में हार चुके हैं, 4 बार ICC टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में हार चुके हैं। हम इतने अच्छे तो हैं कि सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं, मगर हम इतने अच्छे कब बनेंगे कि ICC चैंपियन बन जाए। हम कितना भी कहें कि तो क्या हुआ, हम फाइनल हार गए, हमने पूरे टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला, मगर अंदर से हम भी जानते हैं कि आखिर में दुनिया सिर्फ चैंपियन को याद रखती है। मेरे दोस्त, 2003 में भी हम बहुत अच्छा खेले थे मगर सच है कि फाइनल में हार गए। तो क्या माना जाए, टीम इंडिया बड़े मौकों पर घबरा जाती है? क्या हमारे खिलाड़ी टैलेंटेड होने के बावजूद दिमागी तौर पर इतने मजबूत नहीं है कि फाइनल में अपना नेचुरल खेल दिखा पाए? आखिर फाइनल में हार के इस मर्ज की क्या कोई दवा भी है या नहीं? ये बहुत सारे सवाल हैं जिस पर आज हम डिटेल में बात करने वाले। वीडियो पूरी देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा, हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करिएगा। मगर उससे पहले हम पड़ोसी बांग्लादेश की कुछ बात कर लेते हैं। सच में यार, जब से मैंने इन लोगों के कुछ वीडियोस देखे हैं मेरे दिमाग का दही हो रखा है। टीम इंडिया की हार के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस टीम इंडिया की हार पर जश्न मना रहे, सेलिब्रेट कर रहे हैं। খুবই আনন্দ, খুবই উচ্ছ্বাস, আমরা কি বলে এটা, মানে এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। वो कह रहे हैं कि टीम इंडिया की हार देखकर उनके मन में खुशी के झरने फूट रहे हैं। भारतीयों को यूं रोता देखकर उनको मजा आ रहा है। एक ने तो कहा कि किसी भी टीम को जीतता हुआ हम देख लेंगे मगर इंडिया को नहीं। सुनिए, সাথে কে এসেছিলাম তো কোচিংটা ফাঁকি দিয়ে, কারণ ইন্ডিয়ার হারাটা আমি দেখব, আমার একটা শান্তি লাগবে, রাতে একটা সুন্দর ঘুম হবে। और ऐसा नहीं है कि भारत की हार पर खुश होने वाले कोई 10-20 लोग, पूरे बांग्लादेश में भारत की हार पर खुशी मनाएंगे, इतना तो शायद पाकिस्तान में भी लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे। जब मैंने ये बयान सुने तो एक साथ कई सारी बातें ना मेरे मन में आने लगी। पहली तो ये कि चलो इसमें कोई हैरानी नहीं है कि आपका पड़ोसी देश आपकी जीत पर खुश हो रहा है, कोई बात। ये भी समझ में आता है कि पड़ोसियों में एक तरीके की राइवलरी भी होती है, इसलिए वो खुश हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब किसी की हार में आपकी खुशी वाली जो नफरत है वो झलके, आपकी उस खुशी में एक धार्मिक टोन नजर आए, आपकी जहरीली मानसिकता दिखाई दे तो आपको हैरानी होती है। बांग्लादेशी फैंस जब बांग्ला भाषा में भारत को गाली दे रहे हैं, हमारी हार पर खुश हो रहे हैं, तो उन्हें सुनकर मुझे सिर्फ और सिर्फ उन पर तरस आता है। क्यों तरस आता है जब मैं इसके रीजंस बताऊंगा, इसकी वजह बताऊंगा, तो खुद बांग्लादेशी फैंस के कानों से धुआं निकल जाएगा। इससे पहले कि मैं उन कारणों पर आऊं, आपको बता देता हूं कि आप सिर्फ 1 रुपए में iPhone 15 जीत सकते हैं। इसके लिए करना आपको यह है कि 23 नवंबर को होने वाले इंडिया ऑस्ट्रेलिया T20 मैच की टीम बनानी है My11 सर्कल ऐप पर। अगर आपके फोन में यह ऐप नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो। बड़े बड़े प्राइजेस, 23 नवंबर वाले मैच की टीम बनाइए, गिव अवे कॉन्टेस्ट पर चले जाइए। लेकिन एक जरूरी बात, ये कॉन्टेस्ट सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है और जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहीं से एक्टिवेट होगा। एंट्री फीस सिर्फ 1 रुपए, टॉप कर जाने पर ब्रांड न्यू आईफोन 15 जीतने का मौका है। तो बांग्लादेशी फर्स्ट प्राइज में 1 करोड़ रुपए। मेरा कूपन कोड जरूर यूज करना एक्स्ट्रा कैश के लिए।
ठीक है, बाकी टीम बनाने में हम आपको अपने लोको चैनल पर हेल्प करते हैं, ठीक है। वीडियो पे वापस आते हैं, मैं ये कह रहा था कि जब बांग्लादेशी फैंस को भारत को मैं गाली देते देखता हूँ तो मुझे उन पर सिर्फ और सिर्फ तरस आता है। ऐसी बात वही आदमी कर सकता है जिसे ये पता नहीं है कि वो आया कहाँ से है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। पहली बात तो चपड़ गंजू, एक बात सुनो क्लियर, जिस बांग्ला भाषा में तुम भारत को गाली दे रहे हो, जिस भाषा में तुम भारत को दुश्मन मुल्क बता रहे हो, वो भाषा खुद भारत में पैदा हुई है। जिस बांग्लादेश मुल्क में आज तुम चैन की जिंदगी जी रहे हो, अगर भारत नहीं होता तो वो देश ही नहीं बनता। अगर भारतीय फौज दखल ना देती तो तुम वेस्ट पाकिस्तान की एक कॉलोनी बनकर रह जाते। जिस भारत को तुम गाली दे रहे हो, गरिया रहे हो, उसी भारत में 2 से 6 करोड़ बंगाली मुस्लिम वैध या अवैध तरीके से रह रहे हैं। जिस भारत से तुम इतनी नफरत करते हो, वही भारत तुम्हारे करोड़ों लोगों का घर बना हुआ है। जिस भारत की हार पर तुम इतना नाच रहे हो, विदेशों में इसी भारत के नाम पर तुम अपने होटल, रेस्टोरेंट या डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम रखते हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि विदेशों में भारतीय पहचान की क्या इज्जत है। और तो और, अपने जिस राष्ट्रगान हमार सोनार बांग्ला पर तुम्हें इतना नाज है, वो भी एक भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1905 में लिखा था। इसलिए जब मैं कुछ बांग्लादेशियों को भारत को गाली देते हुए देखता हूँ, भारत की हार पर नाचते देखता हूँ, तो मुझे इन पर गुस्सा नहीं, तरस आता है। क्योंकि दुनिया में उस इंसान या कौम से, याद रखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, दुनिया में उस इंसान या कौम से ज्यादा बदनसीब और कोई नहीं जिसे पता ही नहीं है कि उसकी पहचान क्या है। इंडिया पराजय जतटा ना ऑस्ट्रेलिया जिताई खुशी हुई थी, तार से बेसी खुशी हुई थी इंडिया पराजित होने कारण। और भारत की हार पर नागिन डांस करते हुए बंगालियों से मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई हमारा तो हम देख लेंगे, फाइनल हार गए तो क्या हुआ, पूरा टूर्नामेंट शेर की तरह खेले, फाइनल हार भी गए तो क्या हुआ, फाइनल में पहुंच तो रहे। तुम बताओ तुम्हारी औकात क्या है, 30-40 साल हो गए तुम्हें खेलता हुआ, आज भी तुम्हारी टीम उतनी रद्दी और घटिया है जितनी 40 साल पहले थी। 4-5 साल पहले आया अफगानिस्तान, तुमसे कितना आगे निकल गया है, नीदरलैंड तक ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और तुम आज भी हर टीम से जूते खा रहे हो। 2015 को छोड़कर आज तक तुम कभी क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचे, पिछले 2 वर्ल्ड कप में 10 टीमों में से भी तुम 8वें नंबर पर आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम कोई 10-20 खेल खेलते हो, ले देकर एक क्रिकेट ही खेलते हो और वो भी इतने सालों में खेलना नहीं सीख पाए। 40-50 लाख की आबादी वाला न्यूजीलैंड हर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, लेकिन तुम 17 करोड़ लोगों की ऐसी नालायक कौम है जो कभी एक ढंग की टीम नहीं दे पाई है। अबे बेशर्मो, खुद में काबिलियत पैदा करो, खुद को इस लायक बनाओ कि अपनी कामयाबी का जश्न मना पाओ। ऐसे तो 4 साल का छोटा बच्चा भी नहीं करता कि कोई केले के छिलके पर पांव पड़ने से गिर जाए और वो हंसने लगे। सच में यार हैरान हो गया मैं ये देखकर कि कोई देश या कौम इतना गिरा हुआ हरकत कैसे कर सकता है कि वो हजारों का झुंड बनाकर इकट्ठा हो जाए और अपने पड़ोसी की हार को चीयर करने लगे। नाश्ता देख लगा कि तुम शायद अपनी औकात भूल गए, इसलिए सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं तुम्हें बता दूं, जो बता दी। अब फिर से भारत पर आ जाते हैं। यार ये सच है कि टीम इंडिया फाइनल में हार गई, 2 दिन से पूरा देश यही डिस्कस कर रहा है कि क्यों हार गए, कैसे हार गए, लोगों के दिल टूटे पड़े हैं, किसी का काम में मन नहीं लग रहा है, मेरा खुद का नहीं लग रहा है। मगर मैं सच कहूं, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूं अच्छे से अगर समझ लिया तो फाइनल में मिली हार का दर्द थोड़ा कम जरूर हो जाएगा। यार ये सच है कि पिछले 10 सालों में हम 9 बार फाइनल और सेमीफाइनल में हारे हैं। 2014 में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हारे, 15 में हम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारे, 16 में फिर T20 सेमीफाइनल में हारे, 17 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारे, 19 में फिर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे, 2021 और 23 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारे, 2022 में T20 का सेमीफाइनल हारे और 23 में एक बार फिर से हम फाइनल में हार गए। अब आप कहेंगे रौनक भाई इतनी सारी हार के बीच भी कोई पॉजिटिव चीज है, तो भैया पॉजिटिव चीज है, आराम से सुनिए। नेवर गिव अप। देखो स्पोर्ट्स में क्या होता है ना, कोई भी टीम रातों रात चैंपियन नहीं बन जाती। एक आध टूर्नामेंट हम जीत भी जाएं, मगर चैंपियन बनने का डीएनए तैयार होने में सालों लग जाते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि जब से हम बड़े हुए हैं हम ऑस्ट्रेलिया को जीतता हुआ ही देख रहे हैं। हमेशा जीत 99 से अब तक पिछले 7 में से 5 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, मतलब उन्हें जीतना आता है। उनके यंग प्लेयर्स अपनी टीम को बड़े टूर्नामेंट में जीतता हुआ देखते बड़े हुए हैं। ये कॉन्फिडेंस एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हुआ है। तो अब आप देखो इतने साल बीत गए हैं, अभी भी कभी भी ऐसा फेज नहीं आया जब आप ये कह सकें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी वीक और कमजोर टीम है। अब दूसरी तरफ आप टीम इंडिया को ले लो, हम 1983 में वर्ल्ड कप जरूर जीते, लेकिन यह भी सच है कि टीम इंडिया उस दौर में कंसिस्टेंट नहीं थी। हम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीतना नहीं जानते थे। 87 को छोड़कर 2011 से पहले तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इंडिया की टीम बैक टू बैक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी पहुंच गई हो। हम लोग बचपन में तरस जाते थे कि भैया हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंचे,
हाँ आप अपने पापा को, चाचा को, ताऊ जी को पूछिए, वो लोग जरूर ये बताएंगे, शेयर करेंगे कि यार अपनी टीम उस टाइम आगे पहुंच ही नहीं पाती थी। 83 के बाद हम 87 में सेमीफाइनल में पहुंचे मगर इंग्लैंड से हार गए। 92 में जब हम ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेलने गए, ऑस्ट्रेलिया में जब वर्ल्ड कप हुआ तो सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाए। पाकिस्तान को छोड़कर हम किसी भी बड़ी टीम को हरा नहीं पाए। इसके बाद 96 में सेमीफाइनल में आए, फिर 99 में नहीं पहुंच पाए, 2003 के फाइनल में पहुंचे मगर हार गए, 2007 में तो पहले राउंड में ही बाहर हो गए। मतलब ये 25-30 साल ऐसे थे जब टीम इंडिया सेमीफाइनल में भी रेगुलरली नहीं पहुंच पाती थी। मगर माही भाई के, धोनी के कप्तान बनने के बाद चीजें बदली, चेंज हुई। हमने 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 का वर्ल्ड कप जीता और तब से अब तक लगातार जो चारों वर्ल्ड कप हुए उसके सेमीफाइनल में पहुंचे। अब तक जो दोनों टेस्ट चैंपियनशिप हुई उसके हम फाइनल में पहुंचे हैं, उसमें भी बड़ी बात। एक वक्त 90s में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीतना तो दूर, हम ऑस्ट्रेलिया के सामने कंपीट भी नहीं कर पाते थे, मगर आज यही इंडियन टीम है जिसने बैक टू बैक दो दौरों में, दो सीरीज में ऑस्ट्रेलिया टीम को उसी के घर में टेस्ट सीरीज में हराया। इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ की। एक वक्त हम पाकिस्तान से भी वनडे में नहीं जीतते थे ज्यादा, आज वनडे में इंडिया पाकिस्तान का कोई मुकाबला ही नहीं। ये सब बात करने के पीछे एक ही पर्पज है। अब देखिए पिछले 25 सालों में इंडियन क्रिकेट कहां से कहां आ गया। इसलिए मेरा मानना है कि जिस तरह टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने को अपनी आदत बना लिया है, उसी तरह वो बहुत ही जल्द टूर्नामेंट जीतने की भी आदी हो जाएगी। जैसे मैच जीतना हमारी टीम के डीएनए में आ चुका है, उसी तरह बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में जीतना अगली पीढ़ी के डीएनए में आ जाएगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं आपको। 2 साल पहले जब टीम इंडिया गाबा में खेल रही थी, चौथे टेस्ट का आखिरी दिन था, कोहली, बुमराह, शमी समेत 7-8 सीनियर खिलाड़ी टीम में नहीं थे। गाबा में कई सालों से ऑस्ट्रेलिया हारा भी नहीं था, मगर उस गाबा के मैदान में आखिरी दिन की पिच पर 23 साल के ऋषभ पंत और 22 साल के शुभमन गिल ने शानदार पारियां खेलकर 5वें दिन की पिच पर 330 चेज कर लिए। इनफैक्ट उस सीरीज को क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे शानदार सीरीज माना जाता है और उसे जिताने वाले कौन थे? सारे नए लड़के। मतलब जो काम आज तक एक से एक धासु इंडियन प्लेयर्स नहीं कर पाए, उसे उस काम को 22-23 साल के लड़कों ने कर दिखाया। इंडियन यूथ का ये जो कॉन्फिडेंस है ना, यही हम सबकी सबसे बड़ी होप है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हार पर अपना दिल छोटा मत करिए। टीमों को बनने में सालों लग जाते हैं, देश का कैरेक्टर डेवलप होने में पीढ़ियां लग जाती हैं, जनरेशन लग जाते हैं। हम एक ऐसा देश है जिसका सालों तक कॉन्फिडेंस गिराया गया, उससे उसकी आत्मा छीन ली गई, वो अपनी ताकत भूल गया था, मगर अब धीरे धीरे हमारा देश खड़ा होने लगा है। इसका साथ तो दो, थोड़ा सब्र रखो। बेशक एक दिन हम वहां जरूर पहुंच जाएंगे जहां कोई नहीं पहुंचा होगा, बाकी खेलों में ये होने भी लगा है। हमारी हॉकी रिवाइव हो चुकी है। जिस एशियन गेम्स में हम 10-20 मेडल से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते थे, वहां हमने इस बार 107 मेडल जीते। ऐसे ऐसे खेलों में मेडल लेकर आए हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अभी भी ये हमारी पोटेंशियल से काफी कम है, मगर रास्ता हमने जो तय किया है वो लाजवाब है, इनक्रेडिबल। इसलिए आप भी होपफुल बने रहें और अपने देश और अपनी टीम को सपोर्ट करते रहें, अपने कप्तान को सपोर्ट करते रहें, हर एक खिलाड़ी को सपोर्ट करते रहें। जल्दी वो टाइम भी जरूर आएगा जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप भी लगातार जीतने लगेगी, और ऐसा हुआ तो हम हमारे भिखमंगे पड़ोसियों से उनकी इकलौती खुशी भी छीन लेंगे। बस आप देखते जाइए। वेल, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज। तो गाइस यही छिल आजकल भिडियो और देखो खराब तो लागे निजे देश मैंने जो एम कि बोल तो खराब लागे तो बोलब देखो जे क्रिकेट मैं बांग्लादेशी क्रिकेट टीम मध्य पॉलिटिक्स चलते ठीक है। शाकिबुल हसान हमार मन इनारे जत दिन बद ना दिवे तीन पर्त क्रिकेट टीम भेतरे मैं क्रिकेट कम्यूनिटर भेतरे को उन्नति आसबे ना, कारण इन निजे निजे एकाई एक्शो। हाँ इन शुद्ध कि करे इनार एकटाई काज एटा होच्छे शोरूम उद्बोधन करा, खेलार प्रति तार कोनो चिंताधारा नाई। जेमन 4 बछर परपर तोमार होच्छे वर्ल्ड कप हय, তিনি খেলা শুরু করে তাদের দল টল নিয়ে খেলা শুরু করে হচ্ছে মানে ওয়ার্ল্ড কাপের 2-1 মাস আগে, সেখানে আমার মনে হয় ইন্ডিয়া অনেক আগে থেকে প্র্যাকটিস করে তার জন্য তারা এত ভালো পারফর্ম করে, রাইট? সো এই দিকেও নজর দেওয়া উচিত। আর কতিপয় কিছু ফালতু মানুষের জন্য আজকে আমাদের পুরো বাংলাদেশের সকল মানুষের পর এই খারাপ দোষারোপটা যাচ্ছে। এই যে যতই বলুক ভাই তাতে কিন্তু আমার খারাপ লাগে, কারণ আই এম এ বাংলাদেশি, রাইট? তো অল টাইম সাপোর্ট করি ইন্ডিয়াকে, অলওয়েজ আই লাভ ইন্ডিয়া অ্যান্ড বিরাট কোহলি, কিং কোহলি। না আমি তো ভেবেই নিয়েছিলাম যে এবার ইন্ডিয়াই জিতে গা, বাট ঈশ্বরের কী কৃপা আমি জানি না কেন হলো না, বাট তাই নিয়ে অনেক আমার কষ্ট। কিন্তু কিছু কিছু বাংলাদেশে আমাদের কিছু মানুষ রয়েছেন যারা ঈদের খুশি হয়েছে, অনেক খুশি হয়েছে, তাদের খুশি হওয়ার কারণ তো বুঝতেই পারতেছো, ওটা আমি বলতে চাচ্ছি না। অনেক আমার ফাউল কথা কয় ইন্ডিয়ার দালাল, আই বল না আরও বল, আই ডোন্ট মাইন্ড সিরিয়াসলি। তোরা যে কিসের দালাল এটি জানি, তোরা পাক দালাল। হ্যাঁ কে বলছে যে বাংলাদেশ থেকে ব্রিটিশ আর হচ্ছে পাকিস্তানি চলে গেছে? যায় নাই রে ভাই, একে দেখে শিখো ভাই, এই আসল ব্রিটিশ, ঠিক আছে?
তো গাইস ভিডিওটা যাই হোক বুঝতেই পারতেছ কেমন লাগছে সেটা বলতেছি না, তো সত্যি কথাই বলছে, আমার মনে হয় না ভুল কোথাও কিছু বলছে। তো জয় শ্রীরাম, জয় হিন্দ, জয় বাংলা, অলওয়েজ তোমাদের সাথে আছি, অলওয়েজ আই উইল সাপোর্ট ইন্ডিয়া, এভাবে সাথে থাকবো চিরদিন। তোমরাও প্লিজ আমাদের ভুল বোঝো না, সব ক্ষমা করে দাও। লাভ ইউ, টাটা।